Bismillahirrahmanirrahim, this is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, today this is our lesson number 3 and this is about reading comprehension. In our previous lectures, we have discussed the translation and then we have gone through the synonyms uh, of the chapter his first flight by Lime of and in this chapter we are going to discuss the question answers, the comprehension part of this very chapter. तो कॉम्प्रीहशन में आपकी ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं बेसिकली ये आपकी जो है कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इनहान्स करने के लिए आ, उनके एंड पे जो है वो क्वेश्चंस दिए होते हैं उस उन क्वेश्चंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके इंटरप्रेटिंग होते हैं एक्सटेंडिंग होते हैं और रिकॉलिंग होते हैं क्वेश्चनस जो आपकी कॉगनेटिव एबिलिटीज़ को भी जो है वो पॉलिश करती है और साथ साथ आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर की जो है और साथ उसमें आप थीम्स और जो बेसिकली जो राइटर है वो क्या आपको मैसेज देना चाह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे एंड में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और जब हमने बोर्ड का पैटर्न डिस्कस किया था तो वहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है कम्प्राइजिंग ऑफ ट्वेंटी मार्क्स एक uh, बड़ा पोर्शन मार्क्स का जो है वो ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कॉम्प्रीहशन से रिलेटेड है हमारी कोशिश होगी कि हम जो है अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को डील करें और आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करते हुए यू हैव टू कीप द लेंथ ऑफ योर आंसर इन योर माइंड के 40 टू 50 वर्ड्स में आपने क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना होता है और उसमें आप इेलिवेंट कोई चीज़ ऐड अप ना करें और हम देखते हैं कि किस तरह हम उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आई हैव जॉट डाउन द की पॉइंट्स विच यू हैव टू मैं फॉर द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क फ्रॉम यू सो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम रीड करते हैं उसकी स्टेटमेंट है जी वाई डिड द यंग सीगल द कंपनी ऑफ हिज फैमिली यू आर फेमिलियर विद द स्टोरी के जो यंग सीगल है ही इज अलोन ऑन द लेज हिज पेरेंट्स एंड अदर सिबलिंग्स दे हैव फ्लोन अवे दे हैव फ्लोन अवे फ्रॉम दैट वेरी लेज और वो इंजॉय कर रहे हैं फिशिंग uh, और दे आर इन्जॉइंग देयर मील और जो यंग सीगल है वो वहां पे मौजूद है तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि वाई डिड द यंग सीगल हैव टू है द फैमिली कि क्यों उसने फैमिली को ज्वाइन करना है अब ये बेसिकली आप कह लें कि इंटरप्रेटिंग सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन है आपने अपनी ऑर्गनेटिव एबिलिटीज़ को जहन में रखते हुए इसका आंसर करना है पहला पॉइंट है जी टू लर्न एन इनएविटेबल आर्ट ऑफ फ्लाइंग जो यंग सीगल है उसके लिए उसके सर्वाइवल के लिए ये इनएविटेबल है ये लाजिम मलजूम है ये कंपल्सरी है कि वो आर्ट ऑफ फ्लाइंग से फेमिलियर हो क्यों क्योंकि इफ़ ही विल नॉट बी एबल टू फ्लाई देन ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव उसकी सर्वाइवल के लिए आर्ट ऑफ फ्लाइंग जो कि इनएविटेबल है जो कि कंपल्सरी है फॉर बर्ड्स वो ज़रूरी है तो उसकी फैमिली जो है उसको अबंडन करके दूर गई इसीलिए है ताकि वो उस लेज से फ्लाई करके आर्ट ऑफ फ्लाइंग जो है वो उसमें फेमिलियर हो आर्ट ऑफ फ्लाइंग जो है वो उसके अंदर वो मास्टर हो आर्ट ऑफ फ्लाइंग से जो है उसको आ, वो आशना हो ठीक है तो इस वजह से वो पहला जो पॉइंट आपने मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि वाई द यंग वाई डिड द यंग सीगल द कंपनी ऑफ इस फैमिली कि वो क्या करे टू लर्न एन इन एविटेबल आर्ट ऑफ फैमिली उसकी जो फैमिली है वो उससे दूर इसीलिए गई है कि वो ताकि फ्लाई करके उनको ज्वाइन कर पाए ये पॉइंट आपने उसमें मैंशन करना है फिर नेक्स्ट है जी अबंडन कूजी एंड कंफर्टेबल लाइफ टू लर्न द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ अब उसके अंदर जो फ्लाइंग है बेसिकली फर्स्ट टाइम जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो जो उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है वो एक मुश्किल है एक एडवर्सिटी है फॉर हिम उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो उस uh, मुश्किल का सामना करना है कि ही हैव टू फ्लाई और फ्लाइंग जो है उसके लिए क्या है एक डिफिकल्ट uh, टास्क uh, है एडवर्सिटी है उसके लिए मुश्किल है क्यों क्योंकि ही वॉज हैविंग द फियर इन हीज माइंड दैट हीज विंग्स हिज वीक विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम एंड ही विल फेल डाउन एंड ही विल डाई तो उस एडवर्सिटी को जो है उसने फेस करना है इफ इफ यू ही टू लिव अ लाइफ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए के कूजी एंड कम्फर्टेबल लाइफ अब वो जो उसका डर्ड के एक स्ट्रॉ नेस्ट है वहाँ पे उसके पेरेंट्स ने हैच किया उसको फॉर इनिशियली ही वॉज वेरी वीक ठीक है ही वॉज नॉट हैविंग द आई साइड ही वॉज नॉट हैविंग एवन स्ट्रेंथ टू मूव तो उसके जो पेरेंट्स हैं दे वट द डिड द्रॉट द फूड टू हिम बार बार उसको खाना खिलाया और अब जब वो, वो उस काबिल हो गया है ही वॉज ही इज़ नॉट नाउ हैविंग दैट पोटेंशियल दैट ही कैन फ्लाई तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको उस कूजी और कम्फर्टेबल लाइफ से बाहर निकालना चाह रहे हैं ताकि वो उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ जिंदगी की मुश्किल का सामना करना सीखे और जिंदगी की मुश्किल एक बर्ड के लिए क्या है दैट ही विल स्टार्ट टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम देन ही विल स्टार्ट टू डाइव फॉर द फिश एंड ही विल बी एबल टू प्रे द फ्रिश ठीक है अपनी खुराक के लिए तो वो बेसिकली उसको सिखाने के लिए उससे दूर गए हुए और उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए वाई डिड द यंग सीगल हैव टू कंपनी ऑफ हिज लाइफ ठीक है ये चीज आपने उसमें मैंशन करनी है कि वो उस अबंडन और कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ को सीखे मुश्किल को सीखे इसीलिए उसको उस लेज को छोड़ के अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करना है फिर नेक्स्ट है जी कोटेशन है आप

उसकी एक मशहूर कोटेशन है वो मैंने यहाँ पे एडअप की है अ मैन एज अ जनरल रूल ओज वेरी लिटल टू वट ही इज बॉर्न विद अ मैन इज वट ही मेक्स हिम सेल्फ ठीक है कि जब इंसान पैदा होता है तो ही इज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इनफ या जो बर्ड है वो जब पैदा होता है तो वो वो अपनी पैदाइश के बाद ऐसी uh, जो अपनी जिंदगी है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें ओ नहीं करता लेकिन अ मैन इज वट ही मेक्स हिमसेल्फ कि वो अपने आप को मुश्किल के थ्रू गुजार गुजार के जो सीखता है बेसिकली वही बेसिकली उसने अपने आप को बनाया होता है ठीक है तो ये आप इसमें कोटेशन डाल सकते हैं और आप इस आंसर को इस तरह से वाइंड अप कर सकते हैं ठीक है सो वाई डिड द यंग सीगल हैव टू कंपनी ऑफ फैमिली क्यों उसको ज्वाइन करना है सो दैट ही विल बी फेमिलियर विद द इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग सो दैट ही विल लीव दैट कम्फर्टेबल एंड कोजी लाइफ

जब वो पैदा हुआ था तो उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी ठीक है तो इसी तरह इंसान का भी यही है कि जब वो पैदा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से ना नाअना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ज़िंदगी की मुश्किल का सामना करता है तब ही जा के फिर वो वो वही बनता है जो अपने आप को बना लेता है उन मुश्किल से गुजर के ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू जो है उसको देखते हैं स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है उसकी स्टेटमेंट है वाई डोंट हिज पेरेंट्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गिव हिम फूड अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप से पूछा गया है कि बेसिकली वो जो उसके पेरेंट्स हैं उसके बाकी दो ब्रदर्स हैं उसकी सिस्टर है वो उसको खुराक क्यों नहीं देते हैं? ठीक है और ये आपका समझ लें कि रिकॉलिंग का क्वेश्चन है ठीक है यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट ठीक है पहले वो थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ही फ्लू अवे ये एग्जैक्ट मैंने लाइन वहाँ से उठाई है कि ये उसको खुराक नहीं दे के उसको थ्रेट करते हैं कि अगर वो इफ़ यू विल नॉट फ्लाई विच इज़ इन एविटेबल फॉर हिम जरूरी है लाजिम मलजूम है कंपल्सरी है उसके लिए अगर वो फ्लाई नहीं करता है तो क्या होगा स्टारवेशन का सामना करेगा भूख और प्यास का सामना करेगा और वो उस जो है इसी वजह से जो है उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है मतलब उसको खुराक किस लिए नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ताकि थ्रेट करके उसको जो है इस काबिल बनाए कि वो फ्लाई करना शुरू कर दे ठीक है फिर फियर ऑफ स्टारवेशन में मोटिवेट हिम टू टेक द प्लंज और ये क्यों उसको जो है वो फियर क्रिएट किया जाता है क्यों उसके जहन में फियर डाला जाता है ताकि वो मोटिवेट हो कि फॉर द सर्वाइवल

कि इफ ही विल नॉट फ्लाई ही विल नॉट बी एबल टू ईट एनी थिंग ठीक है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको खुराक उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स उसकी सिस्टर जो है उसको प्रोवाइड नहीं करती हैं फिर टू बिल्ड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेक हिम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशेंट ठीक है उसको खुराक क्यों नहीं दे रहे हैं कि वेन ही वॉज हैचड फ्रॉम दैट एग तो उस टाइम वो डिपेंडेंट था उसके पेरेंट्स ने उसकी जो है नरिशिंग की उसको खिलाया पिलाया बट एक लेवल आता है एक पॉइंट आता है उसके बाद जो है वो जो उसको सेल्फ सफिशेंट या इंडिपेंडेंट करना कंपलसरी है वाई बिकॉज पेरेंट्स जो हैं उसके दे विल मेक अनदर नेस्ट ठीक है और वहाँ फिर वो एग्स है जो है वो ले करेंगे एग्स हैच करेंगे एंड दे हैव टू कैरी ऑन दिस वेरी प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है उन्होंने अपनी रेस को आगे जो है बढ़ाना है ठीक है तो अगर वो अपने बच्चों को हमेशा पालते रहे पालते रहे तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है इस वजह से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और साथ उसको सेल्फ सफिशेंट ठीक है उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए जो है उसको क्या किया जाता है उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो वहां से फ्लाई करे और दैट्स वाई दे नेवर प्रोवाइडेड हिम फूड उसके बाद नेक्स्ट मैंने माया माया एंजलियो जो है बड़ी फेमस अमेरिकन राइटर हैं उनकी कोटेशन यहाँ पे एडअप की है फॉर यूर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस के उसको आप ऐड करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ा अच्छा तरीके से आप लिख सकते हैं इट इज़ टाइम फॉर पेरेंट्स टू टीच यंग पीपल दैट इन एडवर्सिटी देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज स्ट्रेंथ ठीक है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनका अब इस सवाल के अंदर ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसको उसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको जो है वो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम फूड और उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है ऐसा नहीं है बल्कि जो माया एंजलियो है उसके मुताबिक वो कहती है कि जो पेरेंट्स हैं वो टू टीच यंग पीपल दैट इन एडवर्सिटी देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज स्ट्रेंथ के एडवर्सिटी में जिंदगी में मुश्किल वक्त जब आपको मिलता है परेशानी में जो है वो क्या इंसान सीखता है कि ये परेशानी की खूबसूरती है कि परेशानी से गो थ्रू करके इंसान स्ट्रेंथन हो जाता है इंसान के अंदर मजबूती आती है इंसान जो है उस परेशानी को अगर अच्छे तरीके से इंसान अगर उस परेशानी में सरवाइव कर जाता है और अपनी करेज को जो है और करेज से मोटिवेशन के ज़रिए अपने आप को स्ट्रेंथन करता है तो ये बेसिकली उसकी अचीवमेंट है यही उसकी सक्सेस है ठीक है तो ये बेसिकली एडवर्सिटी का वो सामना करवा के पेरेंट्स जो हैं मुश्किल का सामना करा के दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम फूड उसको उसके अंदर स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं उसको सेल्फ सफिशेंट बनाना चाह रहे हैं कि लेटर ऑन व्हेन हिज पेरेंट्स विल मूव ऑन ही विल बी एबल टू फ्लाई ही विल बी एबल टू कैच अ फिश फॉर हिमसेल्फ और वो अपनी सर्वाइवल की जो ये रेस है इसके अंदर वो सक्सेसफुल हो कामयाब हो ठीक है लेट्स मूव टू द थर्ड बोर्ड और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो हम डील करते हैं ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो क्या है जी वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली टू वर्ड्स वॉज इट एग्रीएबल टू यू और नॉट एक्सप्लेन अब ये बेसिकली आप कह लें कि ये आपका एक्सटेंडिंग uh, का क्वेश्चन है इसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन पूछी गई है कि द एटीट्यूड द पेरेंट्स अडोप्टेड टू फोर्स हिम टू मोटिवेट द यंग सीगल टू फ्लाई फ्रॉम दैट लेज क्या आप फील करते हैं कि वो जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है आपने एक्सप्लेन करना इन ओन वर्ड्स कि उनका जो प्रोसेस था वो जस्टिफाइबल है या नहीं है ठीक है देखते हैं जी थ्रेट ऑफ स्टारवेशन हंगर शुरू में जो उसका उन उनका एटीट्यूड क्या था कि उसको थ्रेटन करते हैं कि स्टारवेशन से उसकी डेथ हो सकती है फिर उसको रेप्रीमांड करते हैं बार बार अपग्रेडिंग स्कोल्ड करते हैं फॉर हिज कवर्डाइज कि भाई यू आर कवर्ड और उसको डांट डपट करते हैं कि यूर रेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स दे वर नॉट हैविंग स्ट्रोंग विंग्स जस्ट लाइक यू बट दे फ्लू अवे दे आर कैचिंग दे आर फिश दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ तो उसको बार बार रेप्रीमांड और अपग्रेड कर रहे हैं मतलब ये कि उसको डांट डपट कर रहे हैं उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो वहां से मूव ऑन करें फिर ओवर एंड इग्नोर हिम उसको आपने देखा होगा कि वो पहले उसको रेप्रीमांड और अपग्रेड करते हैं फिर फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स दे देर हिम उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं कि वो सफर कर रहा है ठीक है और साथ ही एंड हिज अदर सिबलिंग्स ऑन देयर सक्सेस वो वहां से लेज से देख तो रहा है कि जैसे उसको ओवर किया जा रहा है उसी तरह पैरल में उसके बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनमें से जब उसका ओल्डर ब्रदर ही बिकम एबल टू कैच हिज फर्स्ट हेरिंग पहली जो मछली वो पकड़ता है तो साथ उसको अप्रिशिएट भी करते हैं ठीक है uh, और अप्रिसिएशन किस लिए की जाती है ताकि वो मोटिवेट हो ठीक है उसको डांटा किस लिए जाता है ताकि वो क्या करे uh, वो, वो वहां से उस लेज से मूव ऑन करें ठीक है उसको डांट डपट भी की जाती है उसके सामने उसके बाकी भाइयों को उनकी सक्सेस पे अप्रिशिएट भी किया जाता है और ये सारे बेसिकली जो है ना मोटिवेटिंग टूल्स हैं अपग्रेड करना रेप्रीमांड करना उसको डीमोटिवेट करने के, के लिए नहीं करते हैं उसको मोटिवेटिंग टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कोई भी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को स्टारवेशन ठीक है उसको भूख में मरते हुए नहीं देख सकता लेकिन ये वो क्यों अडॉप्ट करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इफ़ दे विल नॉट थ्रेटन हिम ऑफ़ द स्टारवेशन एंड इफ़ ही विल नॉट बी एबल टू फ्लाई ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम होता है बर्ड का उसमें उसने सीखना होता है फ्लाइंग अगर वो फ्लाई नहीं कर पाता है तो उसके बाद वो कभी उस जो है प्रैक्टिस में जो है वो कमांड हासिल नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसने वैसे ही ही विल स्टार्ट टू डेथ क्यों क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है दे विल मूव ऑन वो आगे चलेंगे क्योंकि दे हैव टू कैरी ऑन देअर रेस तो इस वजह से उसको क्या करते हैं रेप्रीमांड uh, भी करते हैं बाकी उसके जो सिबलिंग्स हैं उनको अप्रीशियट करते हैं उसके बाद मदर डेराइसिवली स्क्रीम डेट हिम लेकिन आप देखें अब मदर डेराइसिवली स्क्रीम डेट हिम अब इसमें आप देखें कि जो माँ होती है शी यूज टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर चिल्ड्रन वो बाप कि नस्बत ज़्यादा थोड़ी सी अटैचड होती है तो उसका उसके पेरेंट्स में से उसका फ़ादर उसको ओवरलुक करता है उसके बाकी सिबलिंग्स ओवरलुक करते हैं लेकिन टू सम हाउ उसकी माँ जो है वो नहीं देख पाती है कि उसका बेटा जो है वो सफ़र कर रहा है और वहाँ पे भूख से वो निडाल है और धूप भी वहाँ पर ब्लेजिंग जो है वह सन वहाँ पर मौजूद है तो वो उसको अगेन टोंट करती है उसको मजहक खेजानंदाज में उसको जो है न वो क्रिटिसाइज़ करती है और उसको स्क्रीम उसको चिल्ला के उसको बुलाती है ठीक है और फिर एप, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जब इस ये इस प्रोसेस से जब वो गुज़रता है जब वो हार्डशिप से गुज़रता है और फाइनली उसकी मदर जो है उसको जो है वो कंपेल करती हैं फ़ाइनली जब वो करीब जाती है और उसको जब मछली का जो है गोश्त का टुकड़ा नहीं मिलता और उसको कंपेल करती है और वो प्लंज करता है और वो जब उड़ना शुरू होता है तो एट दैट मोमेंट जो है अप्रिसिएशन एंड अपलॉज ऑन हिज सक्सेस फ़ाइनली उसकी तमाम फैमिली इकट्ठी हो के उसकी उस सक्सेस को जो है वो अप्रीशिएट भी करते हैं और दे यूज टू तो प्रोवाइड हिम फूड एज़ वेल इस लेसन की एंडिंग से आप देखें तो हमें लगता है पता चलता है कि बेसिकली जो ए, उसके पेरेंट्स जो है अडॉप्ट करते हैं वे ठीक है द आप कह लें जो रूड बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं वो जस्टिफाइबल है क्यों क्योंकि एंडिंग जो है वो इफ द एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल तो एंडिंग में आप देखें कि उसको जब थ्रेटन किया जाता है उसको स्कोल्ड करते हैं रेपरीमांड करते हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है वो वही होता है जो वो फील कर रहे होते हैं जो वो समझ रहे होते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम उसको मोटिवेट कर पाएंगे और वो वहाँ से उड़ पाएगा और वो फाइनली वो उड़ना शुरू कर देता है तो आप कह सकते हैं एंड में कि उसका जो बेसिकली उनका जो प्रोसेस था उनका वे था ऑफ बिहेविंग विद दैट यंग सीगल वो जस्टिफाइड था और आप थ्रू अपने आर्ग्यूमेंट जो है उसको प्रूव करेंगे कि एंड में जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसको अप्रिशिएट और अपलॉज किया जाता है तो ये आप कह सकते हैं कि वो जस्टिफाइबल justi था उनका जो एटीट्यूड था वो जस्टिफाइबल था अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पे और वहां हम क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स एक्शंस एंड थॉट्स

कि ही फेल्ट हिज हार्ट स्टॉप ठीक है कि वो अप, फील करता है कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है और फिर उसके बाद मैंशन है ही फेल्ट डाउन हैड लॉन्ग ठीक है तो ये वो वर्ड्स हैं उनको आपने जहन में रखना है और उसके बाद ही स्टार्टेड टू फ्लाई और इनको फिर आप इन योर ओन वर्ड्स बताएंगे ही फेल डाउन एब्रप्टली एंड फेल्ट हिम सेल्फ डेड ठीक है यानी कि वो फील करता है कि वो एब्रप्टली गिर जाता है नीचे और फील करता है कि अब मैं मरने वाला हूँ उसकी ये फीलिंग्स होती हैं ठीक है मॉन्स्टर टेरर सीज डिम ही फेल्ट हिज हार्ट स्टॉप ठीक है इसका मतलब बेसिकली इसको आप इन योर ओन वर्ड्स इस तरह लिखेंगे फिर ही वॉज गोइंग थ्रू अ ग्रेट पैनिक एंड ट्रेपिडेशन ठीक है मतलब परेशानी इस तरह और वो पैनिक में जो है वो स्टार्टिंग में जब वो वन ही फेल डाउन हेड लॉन्ग तो उस वो अपने आप को जो है स्टेबल जब तक उसने नहीं किया फॉर अ मोमेंट वो एक पैनिक में था ट्रेपिडेशन में था एक मुश्किल में था और वो फील कर रहा था कि भाई ही विल नॉट सर्वाइव नाउ ठीक है लेकिन फिर क्या होता है स्टार्ट फ्लैपिंग हिस्स विंग्स फाइनली क्योंकि ये उसको आ, आप कह लें कि ये एक नेचुरली उसकी इंस्टिंगट है बर्ड की क्या अल्लाह तला ने उसको जो है विंग्स दिए हैं और उसको ये एबिलिटी उसकी नेचुरल इंस्टिंगट है कि वो फ्लाई करना शुरू करता है फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वो एब्रप्टली गिरता है हेड लॉन्ग गिरता है और वो अपने आप को पैनिक में जो है वो फील वो पैनिक फील करता है ट्रेपिडेशन फील करता है लेकिन लेटर ऑन अपने आप को फिर वो अब जब वो उसने प्लंज कर लिया है उसने गोता लगा लिया है उसने छलांग लगाई है तो अपने आप को उसने अब स्टेबल करना शुरू कर दिया स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स फाइनली अपने जो है वो पर फड़फड़ाना शुरू करता है एंड स्टार्टेड इंजॉइंग दिस न्यू एक्सपीरियंस अब वो जो फ्लाइंग है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है अब उसको वो

Uh, उस न्यू एक्सपीरियंस को और फिर उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करके uh, उसको जो है वो फिश जो है प्रोवाइड करते हैं अ फूड ठीक है तो ये आपने इस तरह इसको अपने अल्फाज में इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो है जी वट कुड बी द ऑथर्स बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी कि राइटर जो है उसने ये जो स्टोरी लिखी है उसका पर्पस क्या है आयरिश नावलिस्ट है और अगर आप देखें उसके मोस्ट ऑफ उसका जो वर्क है लिटरेरी वर्क है उसके अंदर उसने जो थीम्स रिप्रेजेंट किए हैं वही थीम जो है वो इसके अंदर भी उसने रिप्रेजेंट किया है तो हम देखते हैं कि ये पर्पज़ क्या है क्यों वो लिख रहा है तो पहला जो है वो नेचरलिज़म इसके अंदर आप देखें वो नेचर शो कर रहा है वो आपको जो है वो कोस्टल लाइन दिखा रहा है वहाँ पे समंदर दिखा रहा है वहाँ पे सी गर्ल्स हैं और फिर उनकी लाइफ जो है वो डिस्कस की है इस चैप्टर के अंदर इस लेसन के अंदर उसने नेचुरलिज्म जो है वो शो की है और उसने बताया है कि नेचर किस तरह की होती है और फिर यंग सी गर्ल्स की लाइफ को उसने डिस्कस किया और उसमें बताया है कि उनकी इंस्टिंक्ट होती है वो फ्लाई कर पाते हैं और उसी एक स्टोरी से फिर वो आगे जो है वो नेक्स्ट जो ए, उसके अंदर जो उसने मेंशन किया साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसने किया है जिस तरह बर्ड्स जो हैं वहाँ पे उसने शो किया है कि वो जो यंग सीगल है वो फियर ऑफ़ फेलियर की वजह से नहीं उड़ पाता है और लेटर ऑन वो जब मूव करता है तो उसको वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेता है कि इट वॉज़ ओनली द फियर विच वॉज हॉल्टिंग हिम यही बेसिकली साइकोलॉजिकल एनालिसिस ह्यूमन बींग का भी ठीक है इंसानी खसलत भी यही होती है कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल का सामना नहीं कर पाता जब तक वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल का सामना नहीं करता उसको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है वो चीज़ नहीं हो पाएगी लेकिन द वेरी मोमेंट ही क्रॉसिस द्रेश होल्ड ठीक है वो जू ही उस रास्ते को उस uh, दरवाजे को क्रॉस कर लेता है उस खौफ के दरवाजे को तो वो फिर अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसे ये चीज़ इट इज़ इजी फॉर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ये पॉसिबल है और वह कर पाता है तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो उसके अंदर उसने मैंशन किया है ह्यूमन का साइकोलॉजिकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी ऑफ आ यंग सी गर्ल और उसकी फर्स्ट फ्लाइट के ज़रिए कि जो फर्स्ट फ्लाइट है जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो इंसानों के लिए भी उसी तरह ही मुश्किल है उसी तरह ही फेयरफुल है जिस तरह उस सी गल के लिए थी और वो फ़ाइनली जो है वो क्या करता है जब वो देखता है कि आ, उस मुश्किल को जब तक वो गो थ्रू नहीं करेगा उस मुश्किल से वो अपने आप को पार नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो उसको कर गुजरता है तो यही साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसने इस इस लेसन के जरिए ह्यूमन साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया हुआ है फिर नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट हुड अब आप देखें पेरेंट्स को शो किया है उन उसकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं जब वो वीक है जब वो फीबल है जब नहीं अपना खा पी सकता जब वो बिल्कुल ही कमज़ोर है तो उसको वो फूड प्रोवाइड करते हैं उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उसके लिए नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे वो एग्स को ले करता है फिर जो यंग सीगल है ले करते हैं फिर उसमें से हैच करके उनको निकाल के उनको पालते हैं लेकिन एक ऐसा ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है यंग सीगल्स के कि उसके बाद उनको फ्लाई करना सिखाना पड़ता है तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो फिर उसको कैसे जो है उसको फ्लाई करने का के लिए जो है प्रोवोक करते हैं उसको रेप्रीमांड करके उसको डांट के उसको खौफ दिला के और फाइनली वो आप देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने उस प्लंज में अपने उस गोते में और वो उड़ना शुरू कर देता है तो इस चैप्टर के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट हुड भी आप सीख सकते हैं ठीक है पोलो कोवेलो जो है वो एक वेल नोन राइटर है और वो कहता है देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव द फियर ऑफ फेलियर तो इस बेसिकली चैप्टर को लिखने का मकसद यही है कि वो हमें बताना चाह रहा है कि ज़िंदगी में दैट मेक्स ए ड्रीम इम्पॉसिबल कि इंसान अगर कोई ख्वाब देखता है को तो वो इम्पॉसिबल उसको वो नामुमकिन क्यों हो जाता है इंसान उस ख्वाब की तकमील तो आप देखें कि मोस्टली लोग तकमील नहीं कर पाते हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है द फियर ऑफ़ फेलियर के इंसान के अंदर जो है वो फेलियर का नाकामी का खौफ मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाता है ठीक है तो ये आपके बेसिकली जिस इस लेसन इस को लिखने का पर्पस यही है कि इसके थ्रू वो नेचुरलिज़म बताए ठीक है फिर साइकोलॉजिकल एनालिसिस फिर पेरेंटहुड जो है उनकी इम्पोर्टेंस उसने बताई हुई है और इस चैप्टर के अंदर उसने द फियर ऑफ़ फेलियर को जो है वो मैंशन किया है कि फियर ऑफ़ फेलियर की वजह से लोग जो हैं, वो अपने ख्वाबों की तकमील नहीं कर पाते हैं डियर uh, स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही विल सी यू इन अपकमिंग सेशन गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच